हेलो गाइस, मीना की रसोई में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं चने की सत्तू की लिट्टी बना रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ चने की लिट्टी। मैंने चने को अपने घर पे ही भून लिया है और उसमें जीरा, अजवाइन और हरा मिर्चा, हरी धनिया ये सब डाल लिया है। और गाइस, मैंने इसको भर के इसको पहले बॉयल कर लिया है मैं, क्योंकि इसमें तेल बहुत कम मात्रा में लगता है। अगर आप इसको बॉयल कर लेंगे, भर के पानी में बॉयल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप फ्राई करेंगे, तो इसमें तेल बहुत ही कम मात्रा, नाम मात्र के बराबर तेल लगता है। बिना ऑयल फ्री समझो ये भरवी लिट्टी बनके तैयार हो जाती है। गाइस, जब ये आप गर्म पानी में डालोगे तो जब ये पक जाएगी लिट्टी, तो अपने आप देखो सारी लिट्टी अपने आप ऊपर आ गई है। तो इससे पता चल जाता है मेरी लिट्टी अच्छे से पक चुकी है। और उसके बाद आप किसी बर्तन से इसको अच्छे से अलग कर लेंगे, ताकि ये पानी जो भी इसमें बचा हो काफी निकल जाए। उसके बाद एक एक करके मैंने इसको सारे निकाल लिए हैं एक एक छन्नी में, ताकि जो भी पानी इसमें है वो निकल जाए, क्योंकि जब फ्राई करेंगे तो ये छिटके ना, इसलिए इसको थोड़ी देर छान के ठंडा होने के लिए रख देंगे। रखने के बाद अब दूसरी तरफ मैं कढ़ाही चढ़ा लूंगी। देखिए ये ठंडा हो रहा है। ये लिट्टी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, आप एक बार इस तरह जरूर बनाना, ट्राई करना। देखिए मेरी लिट्टी अच्छे से पक चुकी है और ये ऑलमोस्ट ठंडी भी थोड़ी हो चुकी है। और अब इसको कढ़ाही में एक एक करके आप फ्राई करें और एक बार इस तरह इसे बनाएं, खाएं और बताएं कैसा बना है। इसमें तेल बहुत ही कम लगता है और ये फ्राई बहुत जल्दी होके रेडी हो जाता है। गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। टाटा, बाय बाय।